तो ट्रांसलेशन क्या होगा कि आप की मदर टंग है क्या हिंदी से आप इंग्लिश कैसे कर लोगे, और इंग्लिश में अगर कोई कुछ कहता है तो आप उसको हिंदी में करके कैसे समझ लोगे। तो ये प्रोसेस ट्रांसलेशन कहलाता है, अनुवाद जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो पर्पज़ क्या हुआ हमारा यहाँ पे, ट्रांसलेशन सीखना है। ये जो ट्रांसलेशन हम बताएंगे जो भी कंप्लीट करेंगे हम, इसमें हम जो भी कंपोनेंट्स आपको बताएंगे उनके बारे में डेप्थ नॉलेज मतलब बहुत डिटेल नॉलेज नहीं देंगे, उसके बारे में आपको अवेयर करेंगे बस केवल। तो अवेयर करेंगे इसका मतलब क्या, जब अवेयर हो जाओगे तो धीरे 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 क्या होता है, जैसे एक आउटर लाइन बना लेते हो आप, कभी एक आउटर लाइन बना लेते हो तो आप उसमें फिर चीज़ें भर लेते हो ना, पेंटिंग कर लेते हो। तो ऐसे ही ये जो प्रोग्राम है यह आपके लिए एक आउटर लाइन और कुछ उसमें मटीरियल भर करके दे देगा, बाकी ड्राइंग पेंटिंग हम लोग अपने प्रैक्टिस से उसको करते रहेंगे। हमें दो मुख्य जो कम्युनिकेशन के माध्यम हैं वो कौन है, या तो अपने जेस्चर से अपने बॉडी लैंग्वेज से, या तो वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू मतलब बोल करके, दो मेन है। तो हमारा नॉन वर्बल से भी यहाँ मतलब नहीं, हमें बॉडी लैंग्वेज के इशारों से क्या करना है ये हमारा यहाँ का विषय नहीं है, ठीक है ना। हमारा कौन सा है, वर्बल कम्युनिकेशन। शब्द बना लिए गए तो शब्दों से हम क्या करने लगे, चीज़ों को आइडेंटिफाई करने का काम किया, हमने सबका नाम रखना चालू कर दिया, अलग अलग स्टाइल के शब्दों की कैटेगरी बना ली, ठीक है। तो हमने कितनी कैटेगरी बनाई वर्ड्स के लिए, कितनी कैटेगरी बना ली हमने, आठ। कौन कौन से, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इंग्लिश का कोई भी शब्द जो मीनिंगफुल है इन्हीं एट कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी का ही होगा। ये अलग बात है कि हम लोग पढ़ते हैं कि भाई ये इतने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इसमें ये शब्द आते हैं, नहीं ऐसे नहीं बना होगा, बना ऐसे होगा कि ये कैटेगरी है इस कैटेगरी का ये शब्द बना, इस ये कैटेगरी बनाई गई इस कैटेगरी में ये शब्द भरे गए, तो पहले कैटेगरी बनाई गई फिर शब्द इसमें भरे गए होंगे, है ना। लेकिन हमें पढ़ा कैसे जाता है कि पहले शब्द बने तब कैटेगरी बनाएगी, नहीं पहले ज़रूरत बनेगी तब तो समान आएगा। मेरे हिसाब से मेरा लॉजिक यही कहता है कि पहले कैटेगरी बनाई गई, पहले प्लान बनता है फिर उसका एग्जीक्यूशन होता है। प्लान ही नहीं रहेगा तो किसी चीज़ को क्यों बनाओगे, जब कोई मकसद ही नहीं आपका, आपका अगर कोई मकसद नहीं है तो आप बनाओगे क्यों किसी चीज़ को, क्लियर है। अभी हम इसके बारे में केवल इतना पढ़ेंगे कि हम अवेयर हो पाए, जैसे हमने बोला नहीं कि हमें एक आउटर लाइन बना लेनी है अपनी, एक आप उसके बारे में डिटेल जानकारी तो बाद में मिलेगी जब प्लेलिस्ट बनेगा, जब डिटेलिंग उसकी करेंगे, अभी आपको अवेयर करेंगे बस इसके बारे में कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। स्पोकन इंग्लिश के हम वर्बल कम्युनिकेशन के लिहाज से आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, और एक एग्जांपल देंगे, एक दो एग्जांपल देंगे बस, इतने ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। नाउन क्या होंगे, नाउन को बोला गया कि यह नेमिंग वर्ड होंगे, किसी भी वस्तु का किसी भी जगह का किसी भी स्थान का कोई नाम है तो वह नाउन होगा। तो आप इसके लिए ऐसे दिमाग में रखो कि जो भी चीज़ें आपको अपनी आंखों से दिखाई दे जाए वो सब नाउन है, आपके अंदर कोई ख्याल आए और उसका कोई नाम हो, उस इमोशन का आपने कोई नाम रखा हो तो वो क्या है, नाउन होगा। आपके मन में कोई एक्शन आ रहा है, एक्शन से संबंधित कोई चीज़ आ रही है और उस एक्शन का कुछ नाम हो तो वो क्या होगा, नाउन होगा। कोई आपके अंदर कोई सेंटीमेंट है, अगर उसका कोई नाम है उस सेंटीमेंट का तो वो नाउन होगा। आपके अंदर कोई आइडिया आया हुआ है, उस आइडिया का कोई नाम है तो वह नाउन होगा। कोई आपके मन में थॉट चल रहा है, उस थॉट का कोई स्पेसिफिक नाम है तो वह नाउन होगा। मतलब किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो चाहे कॉन्क्रीट, अगर उसका कोई नाम है तो वह नाउन होगा। आप मोटी तौर पर बस इतना समझो, जो भी चीज़ें आपके आंखों से दिखाई दे जाए और आप अपने इंद्रियों से, फाइव सेंसेस हैं आपकी, कौन है, आइज, ईयर, नोज, टंग एंड योर स्किन, इससे अगर महसूस हो जा रही है वो चीज़ तो क्या है, तो आपने ज़रूर उसका नाम रखा होगा और नाम होता ही होगा, और वह अगर नाम होता है तो फिर नाउन होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको भाई, जाहिर सी बात है कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में होएगी तो आपको परेशानी होगी ना उसको याद करने में, उसको याद करने में, रटने में, रखने में। भाई आपके घर में सामान ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है कि नहीं, है होती है कि नहीं होती है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा नाउन शब्द अगर गढ़ लिए गए तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको उसको याद करने में, उसको कैरी करने में। तो अब ये होने लगा कि अच्छा, तो पहले छोटे छोटे नाम रखे जाते थे, फिर पता चला भाई उनका नाम छोटे छोटे ऑक्यूपाइड हो गए, तो क्या हुआ है, लोगों ने बड़े नाम रखने चालू कर दिए होंगे, तो बड़े नाम रखने चालू कर दिए होंगे तो बार बार आपको बताने के लिए या आपको संबोधित करने के लिए आपका नाम थोड़े लेंगे। मानव ने ही अपने लिए ही बनाया था अपनी लैंग्वेज को, तो अपने हिसाब से बनाया था, अपनी सहूलियत के लिए बनाया था, ना कि किसी और की सहूलियत के लिए। वो जानवरों की सहूलियत के लिए हम लोगों ने लैंग्वेज को नहीं गढ़ा था। कोई भी कुछ बनाएगा तो अपने फ़ायदे की चीज़ पहले रखेगा ना। अगर हमें नाम नहीं पता है किसी चीज़ का और उस चीज़ के बारे में कुछ कहना हो,
और उस नाउन की जगह पे हम जो शब्द इस्तेमाल करके उस नाउन के बारे में जो कहेंगे, है ना, ठीक है ना, तो वो जो शब्द होगा जो उस नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वह प्रोनाउन होगा। यानी कि नाउन नहीं है तो नाउन के बदले में जो शब्द लगाया गया वह प्रोनाउन होगा। तो इसके लिए इन्होंने ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ी सी डिटेलिंग इसको कर रहा हूँ। तो इसमें प्रॉपर प्रोनाउन की कैटेगरी बनाई गई, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी और कैटेगरीज आप डिटेलिंग जब प्लेलिस्ट बनेगी और पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में आपको जितने भी प्रकार के प्रोनाउन हैं उनके बारे में बताया जाएगा। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वर्बल कम्युनिकेशन के लिए वो मैं बता दे रहा हूँ। तो इन्होंने क्या बनाया, ही शी इट, ये तीन बनाए। तो ही का मतलब होता है वह, और ये लड़के के लिए यूज होता है। शी का मतलब होता है वह, ये लड़की के लिए यूज किया जाता है। और इट का मतलब होता है वह, यह निर्जीव चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। और ये तीनों को बना दिया इन्होंने सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक, मतलब किसी एक व्यक्ति को या एक औरत को या लड़की को या एक निर्जीव वस्तु को यह रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर इन्होंने बनाया आई, आई का मतलब होता है मैं। अब मैं को भी इन्होंने क्या किया, नहीं नहीं सिंगुलर नहीं बनाया, आई को इन्होंने प्लूरल की कैटेगरी में रखा। बट इसमें थोड़ा सा संशोधन इन्होंने करा कि टू बी वर्ब की कैटेगरी को और कंटिन्यूअस टेंस को छोड़ करके इन्होंने क्या किया है, आई को प्लूरल माना है। इसके अलावा आई है तो वी है, वी मतलब हम, ये भी प्लूरल कैटेगरी है। वी के बाद यू, यू के, यू का मतलब होगा तुम, ठीक है, यह भी प्लूरल कैटेगरी है। और दे, दे का मतलब है वे, ये भी प्लूरल कैटेगरी। तो ये बना दिया गया हमारा प्लूरल की कैटेगरी। तो प्लूरल की कैटेगरी का मतलब प्लूरल क्या होंगे, एक से ज़्यादा। आई, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल में आते हैं। बस आई के साथ आपको ध्यान रखना है कि कंटिन्यूअस टेंस में और टू बी वर्ब की कैटेगरी में जब हम पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर होगा, लेकिन इन दोनों कैटेगरीज में ही है आई थोड़ा उल्टा बिहेव करता है, है ना, क्लियर है। उसमें जरूरी पड़ेगा हमें वर्बल कम्युनिकेशन में पर्सन को जानना। तो पर्सन में इन्होंने बताया कि देखिए लैंग्वेज का काम क्या था, अपनी बातों को कहने के लिए। तो कहने की स्टाइल में एक बात समझ में आती है, जब आप कम्युनिकेट करते हो तो कोई बोलता है और कोई सुनता है, और ज़्यादातर कार्यक्रम हम लोग क्या करते हैं कि किसी के बारे में पंचायत करते हैं, किसी के बारे में बोलते हैं, किसी के बारे में बातें करते हैं। तो पर्सन का इतना सिंपल सा ही फंडा है कि मान लो मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो आई, मैं मतलब आई, और आई में ही एक और कैटेगरी बनती है वी की। अब वी में आई होता है कि नहीं होता है, एक तो मैं हूँ मैं, और एक मेरी पार्टिसिपेशन वाला एक शब्द कौन है, वी, इस वी में भी मैं हूँ। तो इनको कह दिया भैया फर्स्ट पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन जो बोलेंगे, और यू सेकंड पर्सन जो सुनेगा, और थर्ड पर्सन वो होगा जिसके भी बारे में हम बातें कर लें, जिनके बारे में भी बात कर लें वह सब होंगे थर्ड पर्सन। तो हम लोग किसके बारे में बात कर सकते हैं, दे के बारे में, इट के बारे में, शी के बारे में, ही के बारे में। तो ये सब क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन, ही, शी, इट और दे, ये क्या हो जाएंगे थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन हुआ, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकंड पर्सन हो गया, ये दे जो है यह थर्ड है, और ये पूरे की पूरी कैटेगरी क्या है, ये थर्ड पर्सन की कैटेगरी है। तो प्रोनाउन में आपको इतना ही जानना है, प्रोनाउन कौन है, ऐसे शब्द जो नाम नहीं है लेकिन किसी नाम वाले शब्द की जगह पे इस्तेमाल किए गए, यानी कि किसी नाम की जगह पे इस्तेमाल किए गए, ये प्रोनाउन। सिंपल से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आ गया तीसरा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव ऐसे शब्द हैं, ऐसे वर्ड हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में अगर कोई शब्द बता रहा है वह कौन होगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द होते हैं। क्वालिफिकेशन का मतलब होता है योग्यता, योग्यता मतलब होता है उसकी विशेषता, और विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाएंगे। कोई एग्जांपल बताओ, कोई लोग, हाँ तो हमने बोला, क्या बोला, गर्ल कैसी प्रिटी, वह लड़की बहुत सुंदर है। तो अब ये प्रिटी शब्द मतलब ये उसके गुणों को बता रहा है, विशेषता को बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा। फिर वर्ब के बारे में आओ, तो वर्ब क्या होते हैं, वर्ब एक्शन को बताने वाले शब्द होते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन इसका थोड़ा सा और एक्सटेंशन है, जब आप टेंस में जाओगे तो पता चलेगा कि ये वर्ब जो हैं वह केवल एक्शन को ही नहीं बताते हैं, टाइम को भी बताते हैं। वे ऐसे शब्द हैं जो टाइम को भी बताते हैं और स्टेट ऑफ एक्शन को भी बताते हैं। अब जैसे इसमें एग्जांपल ले लो, जैसे हम कहते हैं हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ना एक एक्शन है। तो ये रीड करना जो रीड है, रीड शब्द जो है इसके लिए बनाया गया पढ़ने के लिए, मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना क्या है, एक क्रिया है। तो ये टीच शब्द जो हुआ, क्या हुआ, एक वर्ब हुआ। एडवर्ब का काम होगा ये नाउन और प्रोनाउन को छोड़ दो,
किसको छोड़ दो, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ दो, बाकी कोई एडजेक्टिव के को, किसी वर्ब को, अपने खुद को, प्रीपोजिशन को, कंजंक्शन को, फिर इंटरजेक्शन छोड़ दो, और किसी सेंटेंस को, कंप्लीट पूरे सेंटेंस को ही, उसको अगर मॉडिफाई कर दे, उसके भाव में या उसके इंटेंसिटी में या उसकी ग्रेविटी में या उसके कैरेक्टर में कोई चेंज कर दे, तो वह काम कौन करेगा? एडवर्ब। तो एडवर्ब का बेसिकली जो काम होता है मॉडिफिकेशन का, मतलब चेंज करने का, कैरेक्टर में चेंज करने का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर में चेंज करने का मतलब कोई चीज़ की इंटेंसिटी में ही परिवर्तन कर देना। तो इसीलिए एक शब्द यूज किया जाता है मॉडिफाई, मॉडिफिकेशन मतलब मॉडिफाई कर देता है, चेंज कर देता है। और एडजेक्टिव क्या कर रहा था? वह केवल विशेषता बताता था, क्वालिफाई करता था, लेकिन एडवर्ब क्या करेंगे? ये मॉडिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि ही राइट्स, वह लिखता है, हमने क्या बोला? ही राइट्स, वह लिखता है। लेकिन अभी हमने बोल दिया ही राइट्स वेरी फास्ट, या ही राइट्स फास्ट, या बोल दिया ही राइट्स स्लोली। तो जब हमने फास्ट बोला यानी कि उस लिखने की स्पीड बढ़ गई, और जब हमने स्लोली बोला तो स्पीड घट गई, और जब हमने कुछ नहीं बोला, हमने केवल इतना ही बोला ही राइट्स, तब इसका मतलब क्या? फिर आप अंदाजा लगाओ, बूझो तो जाने कैसा लिखता हूँ, बात समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है, सुनो, ऐसा नहीं है। कहोगे तो उसको बताने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही अंदाजा लगाना, तो वही तो बात कर रहा हूँ मैं, बूझो तो जानू। आपको जैसे बताना हो कि वह कोई क्रिया या कोई काम कैसे करता है, तो अब इसके लिए आपको एडवर्ब पे आना ही पड़ेगा, बात समझ रहे हो? जैसे हमने बोला, जैसे आपको बताना हो कि पढ़ाई कैसी होती है, कैसा टीचर कैसा पढ़ाता है, तो आप उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एडवर्ब का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या बताना है कि वह क्रिया किस तरीके से करता है ना? तो अब क्रिया में आप क्या करोगे, थोड़ा सा चेंज करोगे। कोई क्रिया हो रही है सामान्य तरीके से, तो आप बताओगे कोई अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के लिए आप एडवर्ब का इस्तेमाल करोगे। प्लेलिस्ट ऐड होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से, उसमें आप डिटेल वीडियो इसके पाओगे आने वाले टाइम पे, ठीक है ना? अब प्रीपोजिशन क्या होंगे, प्रीपोजिशन क्या होंगे? यह ऐसे शब्द होंगे जो किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंधित करेंगे, और इनका रोल क्या होगा? रिफरेंशियल। कैसा होगा? इनका रोल होगा रिफरेंशियल, मतलब यह किसी नाउन या प्रोनाउन के संबंध को बताएंगे किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से, और किन संबंधों से जोड़ेंगे? तीन संबंधों से जोड़ेंगे, या तो डायरेक्शन को बताएंगे, किस चीज़ के डायरेक्शन को बताएंगे कि किसी नाउन या प्रोनाउन का डायरेक्शन किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए किस तरीके का है, ठीक है? जैसे एक नाउन स्कूल देख सकते हो, एक नाउन वो है, एक नाउन आप हो, मान लो यू, तो हमने बोला आप जा रहे हो, यू आर गोइंग, और हमने एक शब्द लगाया टू, मतलब को, और मैंने बोला स्कूल, तो स्कूल से आपके संबंधों को कैसे एस्टेब्लिश किया गया कि आप जा रहे हो स्कूल को, स्कूल को जा रहे हो मतलब स्कूल की तरफ जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, क्लियर है? तो ये जो टू शब्द आया था स्कूल को जा रहे हो, तो ये क्या कर रहा है एक्चुअली में? आप ध्यान से समझोगे तो पता चलेगा कि स्कूल का आपसे कनेक्शन ये जो है एस्टेब्लिश कर रहा है। और क्या बताएगा? किसी की पोजीशन बताएगा। तो पोजीशन में कैसे, जैसे आप ही क्या बैठे हो, अपनी सीट पे बैठे हो, बेंच पे बैठे हुए हो, बेंच पे बैठे हुए हो, तो एक्चुअली में बेंच से कोई मतलब नहीं है, क्रिया आप क्या कर रहे हो बैठने की। आप ऐसे बोले यू आर सिटिंग, तो भी तो आप बैठे ही हुए हो, तो आपका काम तो हो ही जा रहा है, लेकिन आपका कनेक्शन किससे करना है? बेंच से, कि बेंच से आप किस पोजीशन पे हो। ये सब बताने के लिए क्या करोगे, ये सब बताने का काम कौन करेगा? क्लास है, क्लास एक जगह है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, और उसका कोई स्थान है, तो स्थान का नाम रख दिया हमने क्लास, मान लो। अब क्लास में हो कि क्लास के बाहर हो, ये कौन बताएगा? प्रीपोजिशन बताएगा, या क्लास के ऊपर हो, कौन बताएगा पोजिशन? प्रीपोजिशन, क्योंकि आप तो हो ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, या आप जो क्रिया कर रहे हो, पढ़ रहे हो मान लो, तो पढ़ तो रहे ही हो, लेकिन अगर उस पढ़ाई का आपका रिलेशन बताना हो किसके रेफरेंस में, क्लास के, इस पर्टिकुलर रूम के रेफरेंस में बताना हो, तो आप बोलोगे कि इन द क्लास, इन द रूम, आई एम रीडिंग समथिंग इन द रूम, बात समझ रहे हो? इसके अलावा एक चीज़ और बताता है एसोसिएशन। क्या बताता है? एसोसिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ की मदद से, या किसी चीज़ से, जो भी आप कहते हो, या किसी चीज़ के साथ, एसोसिएशन मतलब होता है साथ। तो जैसे आप कोई क्रिया करते हो, तो मैं मान लो मार्कर की मदद से पढ़ा रहा हूँ, तो मार्कर पे मैं एक्शन नहीं कर रहा हूँ। आप चाकू से कुछ काटते हो, है ना, चाकू से कुछ काटते हो, तो चाकू पे एक्शन करते हो क्या आप? चाकू की मदद से किसी चीज़ पे करते हो,
जैसे सब्जी पे करो, साग पे करो, किसी चीज़ पे करो, तो आप एक्शन किसी और चीज़ पे कर रहे हो, क्रिया किसी और चीज़ पे कर रहे हो, लेकिन मदद किसकी मदद से कर रहे हो? नाइफ की मदद से। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ लेकिन किसकी मदद से लिख रहा हूँ? तो इसके साथ अपने संबंधों को मैं कैसे एस्टेब्लिश करूँगा? इस प्रीपोजिशन के साथ, सके विद मार्क, विद मार्क, और या विद ए नाइफ, विद मार्क या विद ए नाइफ। क्लियर हो रहा? तो ये तीनों चीज़ें प्रीपोजिशन बताने का काम करेंगी। कंजंक्शंस होते हैं कि जब, देखो बाद में भी पता चलेगा कि जब सेंटेंस बनाते हो तो एक तरीके के दो शब्दों को एक साथ नहीं रख सकते, दो दो नाउन को नहीं रख सकते एक साथ। जैसे हमने बोला सीता गीता इज गोइंग, तो सीता गीता एक नाम हो जाएगा, तो उसको अलग अलग करना पड़ेगा ना। डिस्टिंक्शन करने के लिए हमें कंजंक्शन लगाना पड़ता है। लोग थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड करते हैं कि कंजंक्शन ऐसे ही खामखा लग जाते हैं, या लगाने की क्या ज़रूरत थी। अगर मैं बोलूँ रीमा सीमा गोइंग टू द मार्केट, तो रीमा सीमा अगर एक साथ मैंने लिख दिया बिना कॉमा लगाए या बिना कंजंक्शन लगाए, तो वो दोनों एक नहीं हो गए? आप अंतर कैसे करोगे? आप अंतर कैसे करोगे कि दो नाम है? तो दो शब्दों तक जहाँ तक सीमित था। तो बाद में जब एडवांस होता गया ग्रामर, तो ग्रामर जब एडवांस होता गया, तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि एक होता है क्लॉज, बाद में बताएंगे, और एक होता है फ्रेज। क्या होता है? एक होता है फ्रेज, एक होता है क्लॉज। तो शब्दों को जोड़ने का, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने का काम ही कंजंक्शन नहीं करता है, बल्कि दो या दो से अधिक फ्रेजेज और क्लॉजेस को जोड़ने का भी काम करता है क्या? कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है ग्लू, ग्लू का मतलब गोंद, गोंद मतलब चिपकाने वाला, एडहेसिव। तो कंजंक्शन क्या है? एडहेसिव है, है ना। और इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन होते हैं सडन फीलिंग या सडन इमोशन, जो झटके से कोई चीज आपका कुछ, मतलब ऐसे शब्द जो अचानक से उत्पन्न हुए, किसी टर्बुलेंस को, किसी इमोशन को, या किसी बात को आपके जाहिर करने की क्षमता रखते हों, वह इंटरजेक्शन होते हैं। ये ऐसे खतरनाक शब्द होते हैं कि वह शब्द निकलते ही आपके भाव, हाँ, अब हमने बोला ओ, पता चल गया गड़बड़ हो गया कुछ, हमने बोला ओ, हाँ ना, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आ रहा है समझ में, है ना, वाओ, है ना। और मतलब ये देखो कितने पावरफुल शब्द हैं, एक शब्द ही पूरा बता दे रहा है। तो ऐसे शब्द जो है, अरे है ना, तो ये क्या, ये पूरा एक ही शब्द में इतनी क्षमता है कि वह आपके भावनाओं को बोल देगा, है ना। तो खैर ये नॉन वर्बल की तरह है, बट ये है बहुत पावरफुल है इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों बताए गए आपको? एक अवेयरनेस के लिए बताए गए, कि ये पूरी जानकारी नहीं है, बहुत बड़ा है, पढ़ने में इसको 2-3 महीना लग जाएगा अगर लगातार पढ़ते रहो तो। आपको इससे क्या पता चला, इतने से अभी क्या बताया मैंने, बताने की कोशिश की कि इंग्लिश में जितने भी शब्द हैं इन्हीं 8 कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी का होगा। तो ठीक है, हमने वर्ड्स पढ़ लिया, वर्ड्स के कैटेगरीज के बारे में पढ़ लिया, हमने सबको फिट भी कर दिया, अब क्या?